हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में 34 साइज़ का बैकनेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अस्तर के कपड़े को हम इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करके रख लेंगे। जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लीजिएगा। मैंने यहाँ पर टोटल लंबाई रखी है 14 इंच, 13 इंच लंबाई मुझे इसकी तैयार रखनी है। और डीप नेक के अकॉर्डिंग 34 साइज़ में शोल्डर रखे हैं मैंने यहाँ पर 5 इंच, आर्म होल लेने हैं 5.5 इंच। इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच का भी ले सकते हैं। 0.5 इंच बाहर की तरफ लेते हुए तिरछी लाइन बनाएंगे और बाहर वाली लाइन से ही आर्म होल की गोलाई करेंगे। नीचे कमर का मेजरमेंट लेंगे, कमर है 28 इंच, उसका चौथा भाग होगा 7 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। तो मैंने यहाँ पर मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हमने कर लेना है इसे कट। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली है और इसके बाद अब हमें इसे मेन कपड़े पर रखकर भी कटिंग कर लेनी है। मेन फैब्रिक पर भी मैंने इसे कट कर लिया है। गले की चौड़ाई लेंगे यहाँ पर हम 2.25 इंच, आप 2 इंच भी ले सकते हैं। गले की लंबाई 10 इंच ली है और इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर एक चौकोर बॉक्स बना लिया है। इसके बाद हमने गले का शेप ड्रॉ करना है, तो कुछ इस तरीके से गले का शेप यहाँ पर बना लेंगे। ये देखिए अच्छे से हमने इसे ऊपर की तरफ मिला देना है। गले के डिज़ाइन की लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने नेक को कट भी कर लेना है। गले की कटिंग हो गई है, मैं इसे विदाउट पेपर पेस्टिंग के ही बना रही हूँ। आप अगर पेपर पेस्टिंग लगाना चाहें तो आप पेपर पेस्टिंग भी लगा सकते हैं। अब हमने नीचे मेन फैब्रिक को सीधा रख लेना है और अस्तर के कपड़े को इसके ऊपर रखते हुए पिन के साथ इसे अटैच कर लेंगे। अब हमने सिलाई लगानी है, तो एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे हम इस तरीके से। ये देखिए सिलाई मैंने लगा ली है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। छोटे छोटे कट यहाँ पर लगा लेंगे अच्छे से फैब्रिक पर, ताकि गला अच्छे से यहाँ पर फोल्ड हो जाए फिनिशिंग के साथ। तो देखिए कट मैंने लगा लिए हैं और अब हमने गले को पलट के सीधा कर लेना है। यहाँ पर देखिए सीधा करने से पहले एक सिलाई और लगाएंगे कॉर्नर की। ये वाली सिलाई लगाने से क्या होता है, हमारा जो नेक के वजह से फोल्ड हो जाता है। ये सिलाई आपको अस्तर के कपड़े पर लगानी है और ये जो हमारा नेक है इसके अंदर जो मार्जिन है वो भी हमें गले की तरफ यानी कि अस्तर की तरफ ही रखना है। अब देखिए बहुत ही आसानी से नेक आपका अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। अच्छे से कपड़े को बाहर की तरफ निकाल लेंगे और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के साथ लगा लेंगे हम इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर फिनिशिंग से सिलाई मैंने लगा दी है, गला अच्छे से बैठ गया है और अब हमने बाहर की तरफ से सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से बाहर से भी सिलाई इस पर लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की तरफ निकल रहा है इसे हमने कटिंग करके निकाल देना है। ये देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कटिंग करके निकाल दिया है और ये हमारा पैटर्न इस तरीके से आ जाएगा। सेंटर से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और 4 इंच की लंबाई में प्लेट्स लगाएंगे। दोनों ही तरफ हमने इसी तरीके से प्लेट्स लगा लेनी है। अब मैं अटैच कर रही हूँ नीचे की तरफ कमर पट्टी, तो नीचे से 0.5 इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी को अटैच करेंगे। कमर पट्टी की जो विड्थ है वो मैंने 1.5 इंच लिया है। इसे हमने एक तरफ करते हुए फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के साथ लगा लेनी है। तो बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें सिंपल एक नीचे की तरफ डिज़ाइन बनाना है, जिसके लिए फैब्रिक कट किया है मैंने। इसकी लंबाई चौड़ाई है 2.5 इंच, 2.5 इंच रखी है और इस तरीके से आप इसे फोल्ड कर लें। इसके हमने ट्रायंगल्स फोल्ड कर लेने हैं सारे ही पैटर्न के।
ये देखिए सभी पैटर्न्स मैंने इसी तरीके से फोल्ड कर लिए हैं और अब इसके हमने ये फ्लावर बनाकर लगाना है। तो ये देखिएगा आप किस तरीके से बनाने हैं आपको। ये देखिए हाथों से आपको इसे फोल्ड करते जाना है इस तरीके से और यहाँ पर इसे फ्लावर का लुक देते हुए स्टिच कर देना है। तो पूरा हमने इसे नीचे तक लगा लेना है और नेक की दूसरी तरफ भी इसी तरीके से लगा लेंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये फ्लावर बन जाता है। तो इसे बिल्कुल बराबर से रखते हुए हमने पास पास में ही सिलाई लगानी है। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे सारे ही फ्लावर नीचे तक अटैच कर लिए हैं, दूसरी तरफ भी लगा दिया है और दूसरी तरफ मैंने लेस भी अटैच कर ली है। ये वाला पार्ट कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो ये देखिए यहाँ पर फ्लावर लगाने के बाद अब मैं यहाँ पर लेस अटैच कर रही हूँ। तो लेस लेना है हमें और इस तरीके से पहले ऊपर की तरफ लगाएंगे। ये देखिए गले के यहाँ से हमें लगाना है डिज़ाइन के पास में से, लेस के दूसरे कॉर्नर पर भी सिलाई लगाएंगे। अब हमने नीचे की तरफ लेस लगानी है तो नीचे हम कमर की तरफ से लगाएंगे। ये देखिए आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, आर्म होल के नीचे से भी आप लेस लगा सकते हैं इस तरीके से। तो ये जो फ्लावर हमने अटैच करे हैं इनका जो जॉइंट है ये पूरा कवर करते हुए, अगर एक्स्ट्रा निकल रहा है तो आप इसे कैंची से कट कर सकते हैं। लेस को घुमाते हुए इस तरीके से यहाँ पर हमने अटैच कर लेना है और लेस के दूसरे कॉर्नर पर भी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और इस पे मैंने छोटे छोटे मोती भी अटैच कर दिए हैं। नेक डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।